दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत ने अपने बेहतरीन अभिनय के दम पर फिल्म इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई थी, लेकिन कहा जाता है कि आउटसाइडर होने की वजह से उन्हें वो प्लेस नहीं मिल पाई जो वो डिजर्व करते थे। लेकिन दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत के बारे में तो लोग लगभग सब जानते हैं, लेकिन क्या आप सुशांत के परिवार के बारे में जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि सुशांत के पिता क्या करते हैं, उनकी बहनें कहाँ रहती हैं और क्या करती हैं? अगर नहीं तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। इस वीडियो में हम आपको सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली के बारे में बताएंगे। दोस्तों सुशांत के पिता का नाम कृष्ण कुमार सिंह यानी के सिंह है। दोस्तों सुशांत के पिता का जन्म और पढ़ाई लिखाई बिहार में ही हुई है और इसके बाद वो सरकारी अधिकारी बन गए। सुशांत के पिता ने उषा सिंह से शादी की थी जो पेशे से टीचर थी, लेकिन शादी के बाद उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी थी। इसके बाद दोनों 5 बच्चों के माता पिता बने, जिसमें 4 बेटियां रानी, नीतू, प्रियंका और श्वेता और एक बेटा सुशांत था। दोस्तों सुशांत की माँ जल्द ही उन्हें छोड़कर चली गई थी। उनका साल 2002 में ब्रेन हैमरेज से निधन हो गया था जब सुशांत केवल 16 साल के थे। बात करें सुशांत की बहनों की तो माँ के गुजर जाने के बाद उनकी बड़ी बहन रानी ने उनकी परवरिश की और सुशांत रानी को अपनी माँ की तरह मानते थे। इन्होंने फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर ओपी सिंह से शादी की है। नीतू सिंह सुशांत की दूसरी बहन है और वो अपने समय में स्टेट लेवल की क्रिकेटर रही हैं। इन्होंने अभी तक अपने पैशन को जारी रखा है और 35 साल की उम्र होने के बावजूद इन्होंने अभी तक शादी नहीं की है और मुंबई में रहकर अपने करियर को आगे बढ़ा रही हैं। नीतू से छोटी हैं प्रियंका, जो सुशांत के काफी करीब थी क्योंकि ये उन्हें अच्छे से समझती थी। आपको बता दें कि इन्होंने पुलिस अधिकारी सिद्धार्थ सिंह से शादी रचाई है, जिनके साथ ये खुशहाल जिंदगी बिता रही हैं। सुशांत की छोटी बहन है श्वेता सिंह कीर्ति, जो उनसे कितना प्यार करती थी ये सभी जानते हैं। वो पेशे से एक मॉडल और बिजनेस वुमेन है। इन्होंने अमेरिका बेस्ट बिजनेसमैन से शादी की है, जिनसे इन्हें 2 बच्चे हैं और ये अपने पति के साथ अमेरिका में रहती हैं। दोस्तों सुशांत पढ़ाई में काफी अच्छे थे। उन्होंने साल 2003 में दिल्ली कॉलेज के एंट्रेंस टेस्ट में 7वां स्थान हासिल किया था, जिसके बाद इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। दोस्तों सुशांत को एक्टिंग में काफी रुचि थी, इसके लिए इन्होंने मुंबई आकर नादिरा बब्बर के थिएटर ग्रुप को ज्वाइन किया था और 1.5 साल तक इसके साथ काम करते रहे। इसके बाद इन्होंने नेस्ले और मंच के एड में काम किया और यही से वो लाइमलाइट में आए और इसके बाद इन्हें किस देश में है मेरा दिल से अपने करियर की शुरुआत की। दोस्तों सुशांत को असली सफलता पवित्र रिश्ता से मिली। इस सीरियल में मानव नाम के कैरेक्टर का लीड रोल निभाकर सुशांत घर घर में फेमस हो गए थे, लेकिन फिल्मों में करियर बनाने के लिए सुशांत ने ये शो बीच में ही छोड़ दिया और फिल्मों की पढ़ाई करने विदेश चले गए। वहां से लौटने के बाद इन्हें फिल्म काय पोचे में काम करने का मौका मिला। फिल्म में उनके अभिनय को काफी सराहना मिली। इसके बाद इन्होंने शुद्ध देसी रोमांस पी के, डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी, MS धोनी, द अनटोल्ड स्टोरी और छिछोरे जैसी बेहतरीन फिल्में दी। वहीं इनकी आखिरी फिल्म दिल बेचारा थी, जो इनकी मौत के बाद हाल ही में रिलीज हुई है, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया। दोस्तों सुशांत की पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो वैसे तो इनका नाम कई एक्ट्रेस के साथ जुड़ा, पर सच्ची मोहब्बत तो इन्होंने अंकिता लोखंडे से की थी, जिनके साथ इन्होंने पवित्र रिश्ता शो में काम किया था। 6 साल तक रिलेशनशिप में रहने के बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया था। इसके बाद इनका नाम राबता फिल्म की को स्टार प्रीति सेनन से जुड़ा था, लेकिन कुछ समय के बाद दोनों के ब्रेकअप की खबरें आने लगी। इसके बाद इनका नाम केदारनाथ में इनके ऑपोजिट रही सारा अली खान के साथ जुड़ा, हालांकि फिल्म के बाद ये रिश्ता भी खत्म हो गया और इसके बाद पिछले 1 साल से वो रिया चक्रवर्ती को डेट कर रहे थे। दोनों की मुलाकात साल 2019 में हुई थी, लेकिन ये रिश्ता भी ज्यादा नहीं चल पाया और सुशांत की मौत हो गई। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।